गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई एम वॉचिंग एंजल टेक एनालिसिस। प्राइस एक्शन की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने पिछली मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है और कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर कि हम रियल ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं, या हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो जो ब्रेकआउट है वो रियल है वो या ब्रेकआउट फेक है। तो मैंने आप लोगों को चार पांच मैंने आपको एज बताए थे कि जिसके थ्रू हम वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को कई मैसेज मेरे को रिसीव हुए जो कि पार्ट टू के लिए कह रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक, अब पार्ट टू भी आप लोगों को मैं बना के आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो आई होप जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ प्राइस एक्शन की या ब्रेकआउट की, फेक ब्रेकआउट की, और जो भी आने वाली इस वीडियो है, ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही होंगी। देखिए, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर पेड चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको ट्रेनिंग में जाकर के जो पैसे दे करके पेड चीज़ें, जो चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे ले पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो पार्ट टू है इसमें हम क्या है, हम एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं, मतलब फेक ब्रेकआउट और सॉरी फेक ब्रेकआउट नहीं रियल ब्रेकआउट के, क्योंकि फेक ब्रेकआउट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, कि रियल ब्रेकआउट के मैंने वहां पर तीन चार एग्जांपल कवर किए थे। देखिए, एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि मतलब मार्केट में कौन कौन से सिनेरियो हो सकती हैं, किस सिचुएशन में मार्केट रियल ब्रेकआउट देता है, किस सिचुएशन में मार्केट रियल ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को तीन चार मैंने आपको एक समझ लीजिए कि एज बताया था, या आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तरीका बताया था कि आप कैसे रियल ब्रेकआउट पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या करना होगा कि वहां पर एक तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी ज्यादा कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में जा रही है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक छोटा मोटा यहाँ पर रेंज बना रही है, और फाइनली अगर ये ब्रेक कर रही है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के चांसेस ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट देखिए, मतलब तीन चार दिनों का ले लें, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए तीन चार दिन लॉन्ग टर्म ही हो गया, ठीक है। अगर मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स हुई है, ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये क्या है, ये हमारा मेन ब्रेकआउट होता है, ये हमारा इंट्राडे का ब्रेकआउट हो गया, और ये जो होते हैं हमारे मेन ब्रेकआउट होते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मतलब कैसे कैसे अपने को देखना है कि रियल ब्रेकआउट के टाइम में अपने को कैंडल देखनी होती है। देखिए, तीन चार चीजें देखनी होती हैं। एक, सबसे पहले आप अपना ट्रेंड देख लीजिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी जो चीज मैंने बताई थी कि वो हाउ मच टेस्टिंग, कि मतलब वहां पर मार्केट में कितनी टेस्टिंग हुई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से प्राइस, एक मिनट मैं यहाँ पर डार्क कर लेता हूँ कलर, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई और यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। अब यहाँ जहाँ से प्राइस बार बार रिवर्सल कर रही है, यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रिवर्सल किया, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम, मतलब जो लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके होंगे उस लेवल के ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखिए, ऑलवेज रिमेंबर कि आप जहां भी ब्रेकआउट को ट्रेड करने जा रहे हैं, 2 या 3 दिन के ब्रेकआउट को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां पर कम से कम 3 टचेस तो एटलीस्ट होने चाहिए। मतलब यहां पर 1 टच 2 टेस्ट और 2 टेस्ट, 3 टेस्ट तो होने ही चाहिए, ठीक है, और 4th टाइम में ब्रेक करे। बट यहाँ पर अगर ओनली 2 टेस्ट हैं और यहाँ पर तीसरी बार में मार्केट ब्रेकआउट करने जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तीसरी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि वो जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट जो है डायरेक्ट है, या तो फिर एक मिनट, ये मैं पहले चार्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मार्केट समझ लीजिए कि यहाँ से बाउंस बैक हुई, ये सपोर्ट एरिया था मार्केट, यहाँ से बाउंस बैक हुई, अब ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये ब्रेकआउट डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल्स करके ऊपर की तरफ आकर के ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रहा है, या तो फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसके बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है, मीन्स यहाँ पर कोई रेड कैंडल्स यहाँ पर बनी है। देखिए, अगर मार्केट ब्रेकआउट करने जा रही है और इस रेजिस्टेंस के आसपास आपको कोई भी एक रेड कैंडल मिल जाए, यहाँ रेड कैंडल मिल गई और इसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, तो ये ब्रेकआउट का जेन्युइन है, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। दूसरी मैंने एक और चीज बताई थी, कई बार क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वहां पर बहुत छोटे कैंडल से ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो कई बार ये ब्रेकआउट भी कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस ब्रेकआउट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर कैंडल का साइज छोटा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्रेकआउट कैंडल का साइज होना चाहिए वो पिछली कैंडल से एटलीस्ट डबल होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर कई बार कई ऐसे केसेस मिल जाते हैं जहां पर
इस कैंडल का साइज छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाकर के नीचे यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था पहले, अब यही एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगा और यहाँ पर मे बी अपने कोई सिग्नल मिलेगा लाइक हैमर, लाइक एनी बुलिश एंगल्फिंग, लाइक एनी मॉर्निंग स्टार कैंडल, अपने को ये सब कुछ सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ पर जाकर ट्रेड करेंगे। जहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करना है। उस टाइम में हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। प्राइस जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। रीटेस्ट कब होगा, जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता है, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको तीन चार पॉइंट ये चीजें बताई हैं, ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये ब्रेकआउट हो तो प्राइस यहाँ पर 20 के ऊपर होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइक इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्राइस यहाँ पर 20 के नीचे होना चाहिए। 20 मीन्स 20 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो मैं आपको भी वही चीज बताऊंगा कि जब भी ये ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस 20 के ऊपर होना चाहिए। जब भी ब्रेक डाउन हो, प्राइस को हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस जो है 20 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी जो है मतलब गलत ट्रेड नहीं लेंगे, एक अच्छे ट्रेड में जाकर के एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, एक हम यहाँ पर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में आज एक ब्रेकआउट हुआ था, तो वो ब्रेकआउट में क्या था। ठीक है, इस ब्रेकआउट को भी अगर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज का लेटेस्ट ब्रेकआउट हो, तो ये चीज समझाऊंगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ सही तरीके से। ये हमारा हाई पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इस कलर इसको ट्रेंड लाइन को मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने टेस्ट कराने होते हैं, मतलब टच करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन में भी तीन टेस्ट हो चुके हैं। ट्रेंड लाइन की वैसे वीडियो में आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल में और ट्रेंड लाइन को मिक्स कर दूंगा तो चीजें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आज जो ब्रेकआउट हुआ था वो दो तरह का ब्रेकआउट था, मतलब यहाँ पर डबल कंफर्मेशन ब्रेकआउट था। एक तो यहाँ पर वन टेस्ट, टू टेस्ट, थ्री टेस्ट, थ्री टेस्ट किया और हमने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा आप। अब देखिए, अब ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये ब्रेकआउट कैंडल ये पिछली कैंडलों से साइज में डबल है? तो यस, दिस इज डबल इन साइज। ठीक है, ये साइज में डबल है। और ये जो टेस्टिंग जो ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हमारे पास सेकंड टेस्टिंग थी और ये हमारे पास थर्ड टेस्टिंग थी। इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेकंड टेस्टिंग थी, ये थर्ड टेस्टिंग थी और फोर्थ टाइम में हमने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट कैंडल है, हम यहाँ पर ट्रेड के लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है, मे बी जैसे कि मतलब हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जा रहे हैं और जस्ट कहीं पर यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो आप इस रेजिस्टेंस को निकलने के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ये देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा लग गया होगा तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी निकलने दीजिए। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर क्या, और इंट्राडे में ये देखिए, ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये सेकंड टेस्टिंग हो गई और ये थर्ड टेस्टिंग हो गई। तीन टेस्टिंग यहाँ पर है और तीन टेस्टिंग ही ट्रेंड लाइन में है। तो और ब्रेकआउट कब कर रहा है, चौथी बार में ब्रेकआउट कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एटलीस्ट थ्री टेस्ट तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा, जितने ज्यादा टेस्ट हैं उतना ही ज्यादा वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन टेस्ट और ट्रेंड लाइन में तीन टेस्ट और यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पर एंट्री रखनी है और स्टॉप लॉस, देखिए कई लोग क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है आपको सिर्फ इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप सही होंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गलत होंगे, अगर प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो कोई भरोसा नहीं है, प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। मैंने जो फेक ब्रेकआउट की वीडियो बताई थी उसमें मैंने ये वाली टेक्निक बताई हुई है कि जब भी कभी मार्केट ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली इसका लो ब्रेक कर दे तो वहां पर किस तरीके से ट्रेड करना है, आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वो ये टेक्निक है।
जाकर के इसकी बैक टेस्टिंग करिए, आपको चीजें बिल्कुल खुल करके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा रिस्क कितना है, रिस्क हमारा बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ इतना सा रिस्क है, और यहाँ पर देखिए रिवार्ड हमको कितना अच्छा यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक अपना अलग ही एडवांटेज होता है। अब चलिए देखिए, हमने पिछली बार जो एग्जाम्पल लिए थे वो बैंक निफ्टी से लिए थे, और इस बार जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं निफ्टी से, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ये आ गया, चार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं पीछे की तरफ। अब हमने ऐसे लेवल्स देखने हैं जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टेस्टिंग की हुई है। यहाँ पर तो मार्केट कंटिन्यू रेंज में है, तो हम रेंज को यहाँ पर नहीं हम ध्यान देंगे, जहाँ पर मार्केट प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर भी अगर हम देख लें, नहीं यहाँ भी बहुत अच्छा तरीके से नहीं है, यहाँ पर दो टेस्टिंग है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट दो टेस्टिंग है, ठीक है, इंट्राडे में दो टेस्टिंग है, और मे भी यहाँ पर पीछे कोई लेवल हो सकता है, बट यहाँ पर इंट्राडे में कितनी टेस्टिंग है, दो टेस्टिंग है। और यहाँ पर ब्रेकआउट कब हो रहा है, यहाँ पर तीसरी बार में ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन हम इसको देखिए, हम इसको एज ए स्विंग ले सकते हैं इस लेवल को। अगर हम पीछे की तरफ करें तो ये भी प्राइस ऊपर की तरफ आया था, बट टेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेस्टिंग है, दो टेस्टिंग है, और फाइनली तीसरी बार में ब्रेकआउट हो रहा है। अब देखिए ये ब्रेकआउट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है करें कि ना करें, बट अगर मुझे करना होगा तो मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अब उसके पीछे का भी लॉजिक समझ लीजिए, उसके पीछे का कारण समझ लीजिए कि मैं ये ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया है, रेंज बना रही है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया। अब जो सपोर्ट एरिया है वो 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम, 5 बार नीचे की तरफ टेस्टिंग है और 2 बार सिर्फ ऊपर की तरफ टेस्टिंग है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो मैं इसको ट्रेड करता, ठीक है। दूसरा, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल से ही ब्रेकआउट कर दिया इसने, मतलब मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर ब्रेकआउट करती हुई जा रही है, ठीक है ना, नीचे से जा रही है और ऊपर तक इसने हॉल्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए ये बहुत ही रेयर चांस होंगे जहां पर ऐसे ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का साइज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रैप होने के चांसेस 90% होते हैं, 1 या 2% चांसेस है कि आप यहाँ पर पैसा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत रेयर चांस है जो कि यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के कारण मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब देखिए ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मार्केट देखिए आपको पता ही होगा, मार्केट बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड है, सो यहाँ पर अपने को बाइंग की तरफ मार्केट मिली। सो अगर देखिए अगर यहीं पर मार्केट हॉल्ट कर गई होती, एक रेड कैंडल बना दी होती और इसके बाद ब्रेकआउट करती, तो यहां पर मैं एक अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता था। अदरवाइज मैं ऐसी देखिए, जब तक मार्केट मेरे क्राइटेरिया को फिल नहीं करेगी मैं ट्रेड नहीं करता हूं। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो फिर मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अब चलिए हम यहां पर आ जाते हैं, देखिए वो ट्रेड नहीं करेंगे, हमको ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है, ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 3 बार मार्केट यहाँ पर टेस्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 1 टाइम 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, ठीक है, 3 बार में टेस्ट कर रही है, 3 बार इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। और नीचे यहाँ पर अगर आप नीचे जाकर देखेंगे, ये तारीख है ऑलमोस्ट 21 तारीख, आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा, 100% डाइवर्जेंस होगा। अब यहाँ पर हम ओपन होते हैं, पहली कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही है, और ओपन होने के बाद हम सेम फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं। मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं 1 मिनट, हाँ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेम फ्लो में ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा जो है, 1 मिनट में देखिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सपोर्ट एरिया हो गया, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो अब हम ट्रेड करेंगे, ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट ने हॉल्ट किया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए इस केस में अगर हमने ट्रेड करना है तो ट्रेड कहाँ पर करेंगे, हम ट्रेड यहीं पर कर लेंगे, हमको यहाँ पर इतनी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्या बना रही है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना रही है, और नीचे से आपको डाइवर्जेंस दिख जाएगा RSI में, आप RSI लगा करके देख लीजिएगा 21 तारीख और 22 तारीख में, वहाँ पर क्लियर कट डाइवर्जेंस होगा। देखिए मैं RSI में लगा प्लॉट नहीं करता हूँ, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर RSI डाइवर्जेंस बना होगा और कहां पर नहीं बना होगा, ठीक है। तो यहीं पर ट्रेड बनता है क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। बट अगर आप ये कहें कि इस डायरेक्ट ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे तो नहीं ट्रेड करेंगे। अब ये ब्रेकआउट के बाद यहां पर क्या हो गया, प्राइस ने हॉल्ट किया, और हॉल्ट करने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहां पर ट्रेड कर लेंगे, और ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इस रेड कैंडल के नीचे यहां स्टॉप लॉस रखेंगे। ध्यान रखिए जब भी एक यहां पर ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली अगली कैंडल क्या बन जाए,
समझ लीजिए इनसाइड कैंडल बन जाए, ये रेड कलर की कैंडल बन गई, तो हमको अब ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, हमको अब यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ रखना है रेड कैंडल के नीचे, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। मतलब इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा देखिए अब और छोटा यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर हम ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, हम यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड तो हमारा ऑलरेडी यहीं पर इनिशिएट हो चुका है ट्रिपल बॉटम का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में, देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने को क्या मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पर ये एक लेवल है हमारे पास, और इस लेवल को मार्केट कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लेवल को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर दूँ। हाँ अब ये क्या किया हमने, हमने यहाँ पर लेवल को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट कितनी बार टेस्ट कर रही है, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट दोनों को हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब हमारे पास ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं चार्ट को जूम करूंगा, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को टचेस दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने ऊपर टेस्ट किया है। एक बार ऊपर टेस्ट किया, दो बार ऊपर टेस्ट किया और ये तीन बार ऊपर टेस्ट किया, ठीक है। नीचे की तरफ एक बार मार्केट ने टेस्ट किया, दो बार मार्केट ने टेस्ट किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया और सिक्स टाइम में ब्रेकआउट। अब देखिए अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट कर सकती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, बिल्कुल श्योर नहीं, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर थ्री टाइम्स है और यहाँ पर सिक्स टाइम्स है, तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर हूँ, मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अब अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो ब्रेक डाउन कब हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 3:30 बजे के आसपास हो रहा है, 3:15 बजे के आसपास, तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड करने का अपना मतलब नहीं बनता है। अब हमारा अगले दिन का व्यू क्या हो गया, अगले दिन का व्यू हमारा क्लियर कट बियरिश हो गया, ठीक है। मार्केट देखिए ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज में दोबारा जाने की कोशिश करती है, ठीक है, इस रेंज में दोबारा जाने की कोशिश करती है, बट क्लोजिंग कहाँ पर दे रही है, क्लोजिंग इसको इस रेंज के बाहर दे रही है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था उस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके बाहर की तरफ इसी क्लोजिंग आ चुकी है। अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल, तो हम पहली कैंडल के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो 60% पे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू चलने देंगे। दूसरा क्या है, अगर आप डे हाई और डे लो को भी फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन होने दीजिए, जो हमारे पास कल का डे लो लगा हुआ था इस डे लो को हम ब्रेकआउट होने देंगे। अब यहाँ पर मार्केट देखिए इसको ब्रेक डाउन करती है, अब हमारे पास कौन सा ट्रेड हो गया, अब कौन सी कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस है और ये वाली कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड कर देंगे। स्टॉप लॉस देखिए हमारा कितना छोटा सा है, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस है और यहाँ पर अपने को अच्छा प्रॉफिट मिला। मतलब कहने का ये है कि आपको टचेस बता देंगे, आपको टेस्ट बता देंगे कि कितनी बार मार्केट ऊपर की तरफ टेस्ट कर रही है, कितनी बार नीचे की तरफ टेस्ट कर रही है, वो चीज़ें आपको क्लियर कट बता देंगी कि मार्केट में किस तरफ ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अपने को आगे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर फाइनली देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये एक लेवल है और इस लेवल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखिए कई बार जोन ड्रॉ करना पड़ता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्यों जोन ड्रॉ करना पड़ता है और क्यों हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ता है। अब यहाँ पर वन टेस्ट है, यहाँ पर सेकंड टेस्टिंग हो गई, यहाँ पर थर्ड टेस्टिंग हो गई और यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 2 बजे की बात करे या 2:30 बजे की बात करे वहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए, वहाँ पर अपने को ट्रेड से बचना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया, ठीक है, रेंज बनाने के बाद फाइनली मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट किया है, अगर देखिए प्राइस रेजिस्टेंस से लेकर के सपोर्ट के बीच में कहीं भी अगर मार्केट ने हॉल्ट किया है दैट मीन्स वहाँ पर एक ब्रेकडाउन अच्छा होने वाला है। फाइनली देखिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है और ब्रेकडाउन करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर 3:15 बजे के आसपास आ चुके हैं फाइनली मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही है। कैंडल का साइज देखिए, कैंडल का साइज पिछली कैंडल का साइज भी सेम है और ब्रेकडाउन कैंडल का साइज भी सेम है, दोनों कैंडलों का साइज सेम है, तो हम यहाँ पर रीटेस्ट ट्रेडिंग की वेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये वाला लेवल ब्रेक किया था, ये लेवल, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर रेंज बनी थी छोटी सी, ये लेवल हमने ब्रेक किया था तो ये रेंज का सपोर्ट था और ये रेंज का सपोर्ट यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस बना, फाइनली प्राइस नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आप लोगों को और 2-4 एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, ठीक है। कोई मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक दिख रहा है बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए ब्रेकआउट के लिए हो सकता है,
मैं 1 मिनट इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ड्रॉ करने के बाद चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एक बार मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है, दूसरी बार सेलर एक्टिव होते हैं, तीसरी बार मार्केट अगेन जाती है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ, चौथी बार अगेन जाती है अगेन। मतलब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। जब जब मार्केट इस लेवल के आसपास जा रही है, क्या कर रही है, मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, काफी टाइम तक होल्ड किया और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अब देखिए, अब कई बार देखिए ब्रेकआउट क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल्स ना होकर के जो बिल्कुल पास का स्विंग होता है। पास का स्विंग कौन सा है, ये वाला एरिया है हमारा, ठीक है। तो इस पास के स्विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेकआउट देती है, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, पास का स्विंग क्या है और मेन लेवल क्या है। मेन लेवल हमारा ये है और पास का स्विंग ये है। हमको ये देखना है कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो ब्रेकआउट कैंडल साइज में डबल है कि नहीं है। अगर कैंडल साइज में डबल नहीं है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, उस ट्रेड को हम करेंगे, लेकिन जब मार्केट में रीटेस्ट हो जाएगा और रीटेस्ट के बाद मार्केट कैंडल स्टिक का सिग्नल देगी तो हम जाकर के उस ट्रेड को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस कैंडल के बाद जाकर के ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुकी है। बट एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्मार्ट बायर है ना, वो यहाँ पर पोजीशन बना के जाएगा। स्मार्ट बायर मतलब जो पुट राइटर है, ठीक है, पुट राइटर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के जाएगा। अगले दिन मार्केट देखिए कितना अच्छा यहाँ पर गैप अप ओपन होती है। मतलब देखिए जो HNI बैठे हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर बैठे हैं, जो बड़े बड़े ऑप्शन राइटर बैठे हैं, वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर मार्केट में हो चुका है तो वो पोजिशन उसको कैरी करके लेके जाते हैं, और उस कैरी को पोजिशन जो लेके जाते हैं उनको पता है कि मार्केट ने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट मार्केट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ की है, तो मार्केट के यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो सॉरी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन सा होता है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पर इन केस में मार्केट नीचे की तरफ भी आ गई, मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो हमने ये वाला एरिया ब्रेक किया है, ये हमारे पास रेंज बनी थी, ये रेंज का रेजिस्टेंस था, ये रेंज का सपोर्ट था, तो ये रेंज का रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी। सो वो यहाँ तक पोजिशन अपनी होल्ड करेंगे, उस अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, वो अपना देखिए जो जिन्होंने तो पोजिशन बड़ी बनाई हुई है, जो तो पोजिशनल टारगेट ले जाएंगे, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं। लेकिन हम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ब्रेकआउट कैंडल के स्टॉप लॉस को ही अपने को स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और उसके लो के नीचे हम वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। छोटा स्टॉप लॉस लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तब भी आपको कोई खास फर्क ना पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पर वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दो चार एग्जाम्पल यहाँ पर और समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू इसको सपोर्ट ले रही है, बट यहाँ पर ब्रेकडाउन इधर नहीं हुआ है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ट्रेड करिए ना, ट्रेंड को जरूर फॉलो करिए। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप वहां से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, ये हमारे पास एक पूरा जोन बन चुका है, ठीक है। तो जोन को ड्रॉ करिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई स्विंग ऊपर है या कोई स्विंग नीचे है, जैसे कि मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, देखिए अगर मैं ये इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट ये हमारे पास लेवल टेस्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब एक दो कैंडल्स ऊपर की तरफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से जोन बना लेंगे। अब ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, 4 बार मार्केट ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई। अब इस केस में कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है। दोस्तों यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी भी सपोर्ट के नीचे, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रही है तो वो क्लियर कट वो ब्रेकआउट है। अगर सपोर्ट के नीचे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रही है तो वो क्लियर कट ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो ये हमारे पास गैप अप ओपनिंग है और यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, कब लॉन्ग पोजीशन बनानी है, किसी भी डिप के बाद। या तो मार्केट देखिए यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना, यहाँ पर अपने को सिग्नल मिले, या तो मार्केट किसी प्राइस एक्शन को इस तरीके से, जैसे ही मार्केट इस प्राइस एक्शन को कंफर्म करेगी यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाकर कहीं रेंज बना सकती है, रेंज को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। मतलब आपको सिग्नल के मिलने के बाद ट्रेड करना है, पहले नहीं ट्रेड करना है, जबरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी है। जबरदस्ती की ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर लेंगे मैनेज। यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मिले आप लोगों को। चीज़ें देखिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद
कामयाब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिए, मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आकर के क्या कर रही है मार्केट, इस लेवल को कंटिन्यू मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आ रही है, क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो रही है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ लेवल, देखिए एक बार मार्केट, दो बार, यहाँ तीन बार, यहाँ चार बार, और यहाँ पर फाइनली फिफ्थ टाइम में मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन से पहले क्या हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ और यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये ब्रेक डाउन से पहले मार्केट देखिए ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या ये मार्केट डायरेक्ट आ रही है, नहीं ये डायरेक्ट नहीं आ रही है। यहाँ पर मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट ब्रेक डाउन से जस्ट पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। मींस क्या है कि ये जो ब्रेक डाउन होने जा रहा है, ये ब्रेकआउट बिल्कुल जेन्युइन है। अब देखिए अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो अगली कैंडल बन गई और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है कि ब्रेक डाउन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ ब्रेक डाउन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, ये जो ग्रीन कैंडल है नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया है। हमको सिर्फ ब्रेक हमने हम देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं कि उन्होंने देखा कि कैंडल जो है क्लोज हो गई, और क्लोज होने के बस अगले कैंडल में वो जंप कर जाते हैं। जंप नहीं करना है, इस कैंडल के लो को ब्रेक होने देना है। अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है तो इस कैंडल के लो को ब्रेक होने देना है, लो के ब्रेक होने के बाद ही हमारी एंट्री एक्टिव होगी। अगर मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है तो वहां पर चुपचाप बैठे रहिए, वेट करिए। अब यहाँ पर कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है, ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है, ठीक है। अब इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया तो अब हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है, और ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर 1:2, 1:3 के आसपास का टारगेट मिला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि रियल ब्रेकआउट किस तरीके से होता है। रियल ब्रेकआउट में मेन चीज हमने देखना होता है कि कितने टेस्टिंग हुए हैं वहां पर, ठीक है, मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है, और जो ये मार्केट ब्रेकआउट करने आ रही है, ब्रेकडाउन करने आ रही है, वो डायरेक्ट आ रही है या मार्केट होल्ड करने के बाद आ रही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं अपने कुछ ट्रेड शेयर करते रहता हूँ, कुछ चार्ट वगैरह शेयर करते रहता हूँ, वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। दूसरा, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।